किचन बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि एक बास्केट ऐसा लगाओ जिसमें आलू प्याज रख सके। हमने उनके लिए बनाया अलग से डिजिटल बास्केट, जिसका देख सकते हैं जाली बनाऊंगा रस्टी होता है, तो इस तरफ लगाया जाली जैसे ताकि आलू प्याज लहसुन कुछ भी खराब ना हो, आराम से रख सकते, सब्जी फ्रिज में रख सकते लेकिन सब्जी यहाँ नहीं रख सकते। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पंकज मिश्रा, जी सब जानते हैं। तो हम काम करते हैं इंटीरियर का, जो भी हम काम करते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार जो किचन बनाए 8x8 का किचन, छोटा सा ही है लेकिन इसमें बड़ा कुछ क्योंकि इसमें थोड़ा फोड़ बिल्कुल नहीं कुछ किए, तो थोड़ा फोड़ करने थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो आपको हम किस तरह से बनाएं तो आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे, इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा वीडियो में। आप आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, इस तरफ जो हमारा जो है पूरा 8 फुट, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इसमें हमने फ्रिज भी रखा हुआ है, सारा कुछ इसके बीच में ही है कि फ्रिज बाहर रखे हैं, स्टोर भी मतलब काफी हो गया है इसमें। इसे आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे 2.5 फुट जगह छोड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आ गया यहाँ पे रखे बास्केट मल्टीपर्पज, और इसके नीचे रखे थाली, देख सकते हैं सोने के थाली है, चांदी के थाली सब ऐसे भरा हुआ है। और ये हो गया कॉर्नर, तो आप लोगों को पता कॉर्नर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, स्टोर आराम से बना सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है जब जहाँ पे चूल्हा होता है वहाँ पे इसके नीचे लगाते हैं कटलरी, चाकू छुरी कर्सी कुर्सी, इन्होंने सामान रखा हुआ भी आप देख सकते हैं। और इसके नीचे हुए सबसे बड़ी छोटी कप प्लेट के लिए होता है, और ये मल्टीपर्पज मतलब बर्तन जो भी रखिए आप, या तो कोई सामान डब्बा भी रख सकते हैं इसमें आप, ये होता है मल्टीपर्पज के लिए होता है। और ये हो गया आलू प्याज के लिए, जैसे आप देख सकते हैं आलू प्याज रखा हुआ भी है, डब्बा भी रखा हुआ है, दिखाइए यहाँ से आलू प्याज रखा हुआ है। और इसके नीचे रखें ड्रम के नीचे आटा या चावल, एक आटा चावल के लिए यहाँ रखने हैं और एक यहाँ। आप लोग पूछते सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर सबसे पहले बताएगा वो सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए इनका कनेक्शन बाहर किया हो, किचन के बाहर किया हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे इनका पावर गैस के जो ऑन ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल पास दिखाइए, क्योंकि हम लोग पूछते हैं कि गैस कनेक्शन कहाँ किया हुआ है। अब इसके साथ हो गया सिंक, सिंक किचन छोटी है तो इसलिए सिंक सिंक भी छोटा है, इसमें कहीं कुछ तोड़फोड़ नहीं, क्योंकि तोड़फोड़ करने से आपको मतलब तो किचन आपके यहाँ से अगर आपके 2 फुट है तो तोड़फोड़ आपको करने जरूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल तोड़फोड़ करना नए तरीके से बना, टाइल नहीं लगानी, पत्थर नहीं लगाने, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सिंक, सिंक के नीचे लगाया जैसे देखिए डस्टबिन ऑर्डर आराम से यूज कर सकते हैं। आजकल तो आरो नीचे लग रहा है, आज आप आरो भी नीचे लग सकता है। और सिंक के ऊपर है डिश रैक, जैसे बर्तन धोए तो बर्तन धो के आप इसमें रखे तो पान ट्रे में गिरता है, इसमें आपको पता है इसमें रखते हैं पानी से नीचे गिर जाता है आराम से। इसमें हमने जो भी इस्तेमाल किया, जहां जहां हमारा दीवार टच हो रहा है जिस जगह भी, जैसे आप देख सकते हैं दिखाते हैं जैसे यहाँ पे नीचे हमने पीवीसी बोर्ड इस्तेमाल किया हुआ ताकि ये सड़े ना, क्योंकि ये नीचे खराब होता है और ऊपर खराब होता है और पीछे खराब होता है, पल्ला कभी खराब नहीं होता है। अगर पूरा फुल पीवीसी बनाते हैं तो लोग बोलते हैं स्कूल फोर ढीले हो जाते हैं, इस कारण से हमने जहाँ जहाँ सड़ने का चांस है हमने वहाँ पीवीसी लगाया हुआ है, और जहाँ चाहिए मजबूती हमने वहाँ लगाया हुआ प्लाई बोर्ड। अभी तो ध्यान रखिएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके ऊपर हो गया ये, तो इन्होंने सलग करवाई नहीं क्योंकि तोड़ने में भी बहुत ऊपर का काफी वजन भी है, इसके आराम से मैंने बोला चलो तोड़ना बिल्कुल नहीं है ऐसे बना देंगे। केले तो बोलते हैं कि पूरा तोड़िए फिर बनाएंगे तो खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे आप सलाद देख सकते हैं यहाँ पे सलाद पड़ा हुआ है, इनके देखिए घर में सामान सोने का ही है, सोने के बर्तन ज्यादा खाते पीते हैं ना, थोड़ा कश्मीर से है इसलिए आप देख लिए यहाँ भी। अब आपको ऊपर का दिखाते हैं, ऊपर तो काफी सामान आएगा, सामान तो रखे हुए पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, ऐसा अंतर रखा हुआ जो ये फिक्स नहीं है, तो छोटा बड़ा ऊपर नीचे करना आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम है, ये वाला हिस्सा है 2.5 फुट, यहाँ से 4 फुट के आसपास है, तो ऊपर इनका काफी सामान आएगा। इसमें थोड़ा सामान रखा हुआ है, ऊपर जो भी इस्तेमाल हम चाह रखे हैं ये जो है इस तरह और ऊपर ये पीवीसी है, और बाकी जो सरफेस पे जो भी पल्ले बोले सारा प्लाईवुड का बना हुआ है।
थोड़ा सामान रखा हुआ, देख सकते कितना सामान रखा हुआ है। सल्फर डालने से फायदा होता है, ये दूसरे पर सामान आता नहीं है। अगर ये निचोड़ निकालना तो निचोड़ आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी प्लाई बची थी, फिर थोड़ा सा बना दिए थे सामान, फिर भी उन्होंने काफी सामान रख दिया। तो कैसा लगा किचन जो बनाए, जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर अच्छा लगता है, आप जम्मू में रहते हैं तो आप हमसे काम करवा सकते हैं, और शेयर भी क्या कीजिए। थोड़ा आपको अगर पूछना कुछ भी तो सीधा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको हम सीधा कॉन्टेक्ट करेंगे। कोई भी काम हो आप उससे, रेट कितना लगा, रेट बताना बड़ा मुश्किल है। अगर ये छोटा सा किचन है, लेकिन इसमें दो किचन में सामान लग चुका है, जैसे आप देख सकते हो, ऊपर ऊपर बना हुआ, नीचे बना हुआ है। तो इस तरीके से रेट बताना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग किचन बनवाते हैं, अब यहीं तक बनवाएंगे बिल्कुल, खर्चा कम आएगा। तो खर्चा जब भी पूछना हो, पहले किचन देखना पड़ता है, क्या सामान लग रहा है, क्या लग रहा है, ऐसे रेट बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर आप जम्मू में रहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर बाहर होगा कहीं भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर जम्मू में रहते हैं तो आप हमसे काम करवा सकते हैं, सिटी एरिया में, सिटी से बाहर जा नहीं पाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।